अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दिया। क्या कमाल की क्रिकेट खेली उन्होंने यार। उन्होंने दिखाया कि पैशन क्या होता है, एग्रेशन क्या होता है, बिलीव क्या होता है। क्या क्रिकेट उन्होंने आज खेली है, कमाल कर दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। पहली बार ODI वर्ल्ड कप का बदला ले लिया उन्होंने इस बार। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग किया गुलबदीन ने, नवीन लख ने क्या बॉलिंग किया दोनों ने। उनके स्टैंड स्पिनर रहे मगर उनके फास्ट बॉलर्स ने विकेट निकाल के दिया। पेसर्स को मदद मिल रही थी पिच से। क्या कमाल की क्रिकेट खेल दी अफगानिस्तान ने। इसे कहते हैं पैशन, अपने मुल्क के लिए खेलना। किसी टीम को सीखने की ज़रूरत है इससे। अब मैं नाम नहीं ले रहा, आपको खुद पता चल जाएगा किसकी बात मैं कर रहा हूँ। पैशन अपने मुल्क के नज़र आता है ग्राउंड में। इतना एग्रेशन था उनके खिलाड़ियों में, मुझे नज़र आ रहा था उनके खिलाड़ियों में, जो उन्होंने आखिरी तक लड़ाई लड़ी। अब मैक्सवेल लगे हुए थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिर से अफगानिस्तान से जीत छीनने के लिए, पर उन्होंने पूरी कोशिश की मैक्सवेल ने, पर इस बार वो नहीं कर पाए। और उसके बाद गुलबदीन नईब, क्या दिन रहा उनके लिए, क्या कैचिंग की है उन्होंने, क्या 4 विकेट्स निकाली हैं। नवीन लख के ऊपर से विकेट्स निकल गए, फजल अकफरूकी, राशिद खान, कितने ज़बरदस्त वो बॉलर है, वो विकेट लेकर गए। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रही उनके साथ अब क्या हो रहा है। अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। अब उनको एक फेवर चाहिए इंडिया से कि वो कल वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, और फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा के पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। बहुत ही बड़ा दिन है अफगानिस्तान के लिए। ये होती है एक टीम बनकर खेलना, ऐसे होती है एक टीम पूरा टोन। अभी न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया है, अब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हरा दिया। इससे पहले पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पता नहीं किन किन टीमों को, पाकिस्तान, सबको उन्होंने हरा दिया हुआ है। अब इनके पास बहुत ज़बरदस्त चांस है, बस तुमको एक फेवर चाहिए इंडिया से कल, और ये सेमीफाइनल खेल रहे होंगे। क्या दिन है अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए आज। कहाँ से इनकी क्रिकेट शुरू हुई थी, अब कितनी मुल्क में कितने मसाइल हैं इनके पास। ना इनके पास रिसोर्सेज हैं, ना इनके पास पैसा है, फिर भी अब पैशन है अपने टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, और नज़र आता है फील्ड के अंदर। क्या कमाल की क्रिकेट उन्होंने खेल दिया, मज़ा आ गया आज का मैच देखकर। बहुत कम टीमें ऑस्ट्रेलिया को हरा पाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, पर अफगानिस्तान ने कमाल ही आज कर दिया, आउटप्लेड किया उनको पूरी तरह से। और किस रन से इस विकेट पे हार गए, जो 149 चेज नहीं हो पाया, 149 चेज नहीं। मैं मानता हूँ पीछे मदद मिल रही थी, पर आपके पास तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। उनके पास जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स के साथ कम रिसोर्सेज के साथ ही इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। गुरबाज की बात करें, क्या बैटिंग उन्होंने की, जो 118 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो कमाल की थी। हालांकि मुझे लगा शायद 170-180 करना चाहिए था अफगानिस्तान को, अगर 148 भी डिफेंड कर लिया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त चांस है उनके पास सेमीफाइनल का। बस थोड़े से इंडिया से हेल्प हो, फिर बांग्लादेश को हरा कर वो पहुँच सकते हैं सेमीफाइनल में। कितना बड़ा दिन हो सकता है उनके लिए अगर वो सेमीफाइनल में पहुँच गए। इससे कहते हैं बिलीव, तो आखिरी बॉल तक बिलीव था, जो एग्रेशन, गुरबाज भी जैसे आवाज़ें निकाल रहे थे, कितनी जोर, अब राशिद खान इतनी अच्छी कैप्टनशिप, स्लिप लगा के रखी हुई थी, फील्ड लगाई हुई थी ऊपर, लेना चाहता है विकेट्स, और रिवर्स वो खेल रहे थे, फिर फील्ड चेंज की उन्होंने, कि वो विकेट लेने के लिए जा रहे थे, वो आते थे आज का मैच जीतना। मैक्सवेल एक गेंद से लगे हुए थे, उनको उन्होंने आउट करके दिखाया। नूर ने क्या कमाल का कैच पकड़ा उधर से। इतना बड़ा दिन है आज अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए, कमाल कर दिया, और फिर से वर्ल्ड कप एक बार फिर से जिंदा हो गया। अब दूसरा ग्रुप तो मज़ेदार हुआ ही हुआ था, अब ये वाला भी बन गया, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता है सेमीफाइनल की रेस से। अफगानिस्तान कमाल कर दिया, मज़ा आ गया आज का मैच देख के। अब देखते हैं रात को इंग्लैंड क्या करता है, USA को हराता है, या कुछ और एक और अवसर देखने को मिल जाता है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बस पैशन और बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, और एग्रेशन। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।